हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है इलेक्ट्रिकल आई में। और इलेक्ट्रिकल आई में जैसा कि आप लोगों को बताता हूँ कि हमेशा नया चैप्टर का यहाँ पर इलेक्ट्रिकल का स्पेशल सेट प्रैक्टिस चलता है, जो कि इलेक्ट्रिकल आई से नाम से है। यह बाईपास गया में है और डेली बेसिस पर एक टेक्निकल और एक नॉन टेक्निकल का यहाँ पे चलता है, जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि टेक्निकल प्लस नॉन टेक दोनों यहाँ पे चलता है। तो एक दिन टेक्निकल और एक दिन नॉन टेक्निकल है। अगर आप टेक्निकल का पीडीएफ पाना चाहते हैं या सेट प्रैक्टिस करना चाहते हैं ऑफलाइन लेकर के, तो आप संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे नंबर दिया गया है। और आगे चलते हैं, जो आज का सेट था उसका सॉल्यूशन करते हैं। और ये है जो स्पेशल डीपली लेकर के एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाया जा रहा है उन छात्रों के लिए जो अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं, जो अभी मतलब तैयारी के लिए स्टार्ट कर रहे हैं, जिनको बेसिस पता नहीं होता है उनके लिए स्पेशल हम चालू किए हैं। और सेट भी उसी आधारित पर रहता है जिसका मतलब स्टार्टिंग पीरियड रहता है, जिनको समझ में ज़्यादा नहीं है, सेमेस्टर पास करते हैं तो उनका अलग अलग सेमेस्टर में अलग अलग पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर होता है कि जॉब में अलग हो जाता है, जैसा सोचते हैं वैसा नहीं रहता है। तो यहीं पे सेट मारिए ऑनलाइन और सॉल्यूशन देखिए। और अगर पीडीएफ चाहते हैं तो बुक के फॉर्म में आपको मिल जाएगा, इसके लिए संपर्क कर सकते हैं, इसमें कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है। तो चलिए एक नया शुरुआत करते हैं नया सेट को लेकर के। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक में बोल रहा है कि द हाईएस्ट रेटिंग ऑफ द ट्रिपल पोल विथ नॉर्थ न्यूट्रल एमसीबी सर्किट ब्रेकर अवेलेबल इन द लोकल मार्केट। पहला नंबर तो हाईएस्ट रेटिंग और ट्रिपल पोल विथ न्यूट्रल स्विच क्या होता है ये जानते हैं। तो यहाँ पर होता है कि एक स्विच होता है जिसमें तीन लाइन लगे हुए रहते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट पर एक कनेक्शन रहता है, सेकंड पर एक कनेक्शन रहता है और थर्ड पे एक कनेक्शन रहता है, एक न्यूट्रल रहता है। तो यहाँ पे होता है कि एक साथ तीन कनेक्शन को हम लोग ऑपरेट करते हैं। और यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि द हाईएस्ट रेटिंग ऑफ द ट्रिपल पोल। ट्रिपल पोल का मतलब समझते हैं कि स्विच में जैसे कि आप देखते हैं कि सिंगल स्विच रहता है, तो यहाँ पर एक ही पोल होता है ये, लेकिन यहाँ पर तीन है इसलिए ट्रिपल स्विच बोला जाता है। ये वाला एमसीबी क्यों यूज करते हैं? तो यहाँ पर होता है कि क्वेश्चन नंबर 101 का आंसर है कि ये है जो 189 एम्पियर तक हम यूज कर सकते हैं इसका। यहाँ पे देखा गया है कि एमसीबी जो होता है, जो एबीसीडी पैरामीटर जनरली सर्किट। चलिए क्वेश्चन नंबर दो में चलते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फ्लोमिंग लैंप आर यूज द फेनोमेनन ऑफ फ्लोरोसेंट। तो विच ऑफ द फ्लोमिंग लैंप इज यूज फेनोमेनन ऑफ फ्लोरोसेंट। फ्लोरोसेंट का मतलब क्या होता है? तो फ्लोरोसेंट ट्यूब में होता है कि यहाँ पर फ्लोरोसेंट ट्यूब होता है उसमें डिस्चार्जिंग के लिए पारा लगाया जाता है। तो पारा के जो डिस्चार्जिंग के लिए हाई वोल्टेज दिया जाता है और इस चार्ज को डिस्चार्ज करके एक अल्ट्रा वायलेट यहाँ से रे निकलता है, अल्ट्रा वायलेट। तो अल्ट्रा वायलेट रे को हम लोग देख नहीं सकते हैं, इसके लिए एक कोटिंग किया जाता है, क्योंकि जो अल्ट्रा वायलेट रे है उसको विजुअल में किया जा सकता है। तो उसी लिए हम लोग कहते हैं कि क्वेश्चन नंबर 102 का आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 102 का आंसर है कि ऑल फ्लोरोसेंट लैंप इज लो प्रेशर मरकरी भैपर। मरकरी भैपर लगा हुआ रहता है और गैस डिस्चार्ज लैंप होता है दैट यूज द फ्लोरोसेंट टू प्रोड्यूस द विजुअल लाइट। विजुअल लाइट में प्रोड्यूस करने के लिए एक लेयर को लगाया जाता है जिससे जो लाइट निकलता है विजुअल हो जाता है। अल्ट्रा वायलेट को हम लोग देख नहीं सकते हैं इसलिए यहाँ विजुअल लाइट का यूज किया जाता है, विजुअल यूज किया जाता है। तो इसलिए हम लोग इसमें किया जाता है 102 का आंसर नंबर 2 हो गया, यहाँ फ्लोरोसेंट लैंप होता है इसमें, फ्लोरोसेंट लैंप। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है थोड़ा सा डिप्लिकली है, इसमें नॉमरिकल है, तो नॉमरिकल को हम अलग से एक टॉपिक में बना करके एक वीडियो में दे देंगे जिसको आप स्पेशली सोल्व कर सकें। तो उसका अलग वीडियो मिल जाएगा आपको लिख करके स्पेशल नॉमरिकल बेसिस, तो उस पर आप देख सकते हैं वीडियो को। और यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है द थर्मोकपल मीटर आर एसी मीटर दैट रिस्पॉन्स टू, क्या रिस्पॉन्स करता है? तो थर्मोमीटर जो होता है वो हमेशा मेजर करता है टेम्परेचर को, मेजर करता है। तो कहता है कि ये थर्मोकपल इज ए सेंसर दैट मेजर टेम्परेचर। थर्मोकपल क्या होता है? टेम्परेचर को मेजर करता है। थर्मोकपल आर यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ 2000 से साढ़े, इसका रेंज जो होता है 200 से 350 डिग्री सेल्सियस तक इसका मेजर करता है, 200 से 350 डिग्री सेल्सियस तक मेजर करता है। तो और
थर्मोकपल इसीलिए यूज किया जाता है टेम्परेचर को मेजर कर लिए। तो थर्मोकपल मीटर रिस्पॉन्ड आरएमएस वैल्यू, थर्मोकपल जो मेजरमेंट होता है वो आरएमएस वैल्यू को मेजर करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको सेट में पाना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं, और स्पेशली हम जेई लेवल के लिए इलेक्ट्रिकल के लिए स्पेशल जो है कि एक सेट बनाते हैं डेली जो हमारा कोचिंग में चलता है, उसको अगर आप लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 105 में चलते हैं। 105 में कह रहा है कि द इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग दैट डिफ्यूजन आर आर्क फ्रॉम द वेल्डिंग पॉइंट इज कॉल्ड, जहाँ पे डिफ्यूजन होता है उसको क्या कहा जाता है। तो 105 नंबर क्वेश्चन का आंसर नंबर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाता है आर्क ब्लो करता है, जैसे कि यहाँ पर देखते हैं इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग होता है तो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज एक निगेटिव चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज का वेल्डिंग दो होता है पॉजिटिव निगेटिव, और डिफ्यूजन होता है तो आर्क प्रोड्यूस करता है, आर्क ब्लो करता है जो यहाँ पर वेल्डिंग मटेरियल होता है, या तो एक पॉजिटिव डीसी के केस में आर्क यहाँ ब्लो करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर तीन सही हो गया। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 में दिया गया है द पोलोस्ट्रीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, पोलोस्ट्रीन एग्जाम्पल किसका है। तो क्वेश्चन नंबर 106 का आंसर नंबर दो हो जाएगा, ये होता है एन इंसुलेटर होता है। पोलोस्ट्रीन का मतलब समझिए कि पोलोस्ट्रीन जैसे कि आप कुकर में नॉर्मली आप खाना बनाते होंगे स्टूडेंट लोग, यहाँ पर लगा हुआ रहता है जो नॉन इंसुलेटिंग मटेरियल रहता है तो उसी को कहते हैं, पोलोस्ट्रीन उसी तरह का होता है तो वो इंसुलेटर होता है। क्वेश्चन नंबर आगे 7 में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कि यहाँ पे ए टू वैल्यू ऑफ कैपेसिटर रन मोटर स्टार्टिंग भी थे कैपेसिटर एंड रन भी थे कैपेसिटर, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर कैपेसिटर रन मोटर एक होता है, यहाँ पर एक इंडक्शन मोटर होता है, ये रोटर होता है, यहाँ पर एक सर्किट होता है और यहाँ पर एक कैपेसिटर स्टार्टिंग रहता है, एक कैपेसिटर रनिंग होता है और ये सर्किट कंप्लीट कर देता है इधर, इधर से हम लोग सप्लाई देते हैं तो, और ये रोटर होता है। यहाँ पर सिंगल फेज जो इंडक्शन मोटर होता है वहाँ पर एक रोटर होता है, ये रोटर हो गया हमारा और एक इधर से स्टार्टर लगा हुआ रहता है, जो यहाँ पर एक कैपेसिटर स्टार्टिंग मोटर एक रनिंग मोटर होता है और यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल स्विच भी एक होता है इंडक्शन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में, और इधर से हम लोग सप्लाई देते रहते हैं। तो एक हो गया स्टार्टिंग मोटर कैपेसिटर, एक होता है रनिंग कैपेसिटर, तो ये रनिंग कैपेसिटर का काम होता है जो रन करते रहता है, एक होता है स्टार्टिंग कैपेसिटर, इसके साथ सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा हुआ रहता है, जैसे ही मोटर स्टार्ट हो जाता है तो ये ऑफ हो जाता है, ये काम नहीं होता, और रनिंग वाला सिर्फ रन करते रहता है, ये वाला रन करते रहता है। तो हम लोग यहाँ पर यही कह रहा है कि ये टू वैल्यू कैपेसिटर रन मोटर स्टार्ट भी थे, क्या होता है स्टार्ट भी थे, स्टार्ट करता है हाई वैल्यू ऑफ कैपेसिटर से और रन करता है जो नॉर्मल वैल्यू का कैपेसिटर होता है। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि जो भी ये जो स्टार्टिंग वाला होता है, जो स्टार्टिंग वाला कैपेसिटर होता है, इसका कैपेसिटेंस के मान हाई होता है, इसका कैपेसिटेंस के मान हाई होता है, जो रनिंग वाला कैपेसिटेंस होता है उसका मान कम होता है, तो इसलिए हम लोग यूज करते हैं क्या ऑप्शन नंबर ये एक सही हो जाएगा। टू वैल्यू कैपेसिटर रन मोटर स्टार्ट भी थे हाई कैपेसिटर एंड रन भी थे लो कैपेसिटर के साथ होता है। क्वेश्चन नंबर 8 का देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा, दो आंसर है इसका। तो कह रहा है कि फाइंड द आरएमएस वैल्यू ऑफ द गिवन करंट वेव फॉर्म, आरएमएस वैल्यू निकालना है उसका। तो आरएमएस वैल्यू क्या होता है, आरएमएस वैल्यू के लिए होता है जो ये ट्रायंगुलर है, ये ट्रायंगुलर वेव फॉर्म है, तो ट्रायंगुलर के लिए होता है आई आरएमएस बराबर आई एम बाय रूट थ्री होता है, आई एम बाय रूट थ्री होता है। तो आई एम के मान दिया गया है इसमें, तो आई एम के मान हो जाएगा मैक्सिमम जो आरएम करंट दिया हुआ है 50 एम्पियर दिया गया है और थ्री से डिवाइड कर देंगे तो ये आरएमएस हो गया, और जो हमेशा जो एसी में होता है हमेशा आरएमएस वैल्यू होता है, एसी में जो होता है वो आरएमएस होता है, और एवरेज कहें तो एवरेज का मतलब डीसी समझिए और मैक्सिमम का मतलब पीक समझिए, जो पीक यहाँ पर होता है या साइनसोइडल वोल्टेज देते हैं, तो यहाँ पर जो ये जो है पीक है और यहाँ पर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये आरएमएस हो गया, यहाँ पर
आरएमएस हो जाएगा, यहाँ पर पीक हो गया ऊपर, और सबसे नीचे जो आता है जो एवरेज होता है, ये जो सबसे बीच वाला होता है ये एवरेज होता है, यानी कि एवरेज का मतलब डीसी समझ के चलिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 50/√3 होगा, हाँ 50/√3 होगा। तो क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 का देखते हैं कैसा क्वेश्चन है, ज़्यादा न्यूमेरिकल होगा तो अलग से इसका टॉपिक बना करके सोल्व करेंगे, ऐसे आंसर बता देते हैं इसका। तो 109 का आंसर जो होगा इसका 4 होगा, इसका 4 होगा, 109 का 4 होगा, 100 इसका नहीं होगा ना, इसका 109 नंबर का 4 ऑप्शन सही होगा। तो कह रहा है कि क्लोज लूप वोल्टेज गेन पूछ रहा है, वोल्टेज गेन का फॉर्मूला हम लिख दे रहे हैं कि ए बराबर क्या होता है, ए बराबर जो वोल्टेज गेन होता है वी ए बराबर होता है 1+RF/R1 होता है। तो यही पुट करिएगा तो 100/1 हो जाता है, 100 कहें तो इसका सॉल्यूशन अच्छे से करेंगे, थोड़ा सा लास्ट देख लेते हैं, जो न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा उसका अलग वीडियो बना देंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है कि ए सिंगल इंस्ट्रूमेंट दैट कैन बी मेजर वोल्टेज करंट, वोल्टेज भी मेजर करता है, करंट भी मेजर करता है, रेजिस्टेंस भी मेजर करता है, डायोड फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप एंड द ट्रांजिस्टर गेन, सारा कुछ करता है, तो इसको क्या बोलते हैं। इसका 110 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 110 का आंसर नंबर ए हो जाएगा। इसका काम मल्टीमीटर का होता है, मल्टीमीटर का है तो उसमें मल्टीमीटर का कहें तो यहाँ पे हो जाएगा, मल्टीमीटर एक मल्टीमीटर होता है उसमें रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस भी माप सकते हैं, कैपेसिटेंस भी माप सकते हैं, इंडक्टेंस भी माप सकते हैं, वोल्टेज करंट सबको मेजर कर सकते हैं। यहाँ से 2 प्लस माइनस का बाहर निकला हुआ रहता है, यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ रहता है रेजिस्टेंस कितना मापना है, या एसी पर भी वर्क करता है और ये डीसी पर भी वर्क करता है। तो यहाँ पर एसी डीसी दोनों के लिए मल्टीमीटर हो जाएगा। 110 नंबर क्वेश्चन का नंबर 110 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मल्टीमीटर। क्वेश्चन नंबर 111 में चलते हैं, 111 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि ए फॉरवर्ड एबीसीडी पैरामीटर ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन व्हिच फॉलोइंग इज करेक्ट, तो एडी बराबर बीसी होता है हमेशा, समझ लीजिएगा। इसका आंसर नंबर हो जाएगा 111 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका एडी बराबर बीसी होता है, तो यही होता है, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ज़्यादा इसको डीपली उतना पढ़िए नहीं, ऐसे पूछता है, 2-3 पैरामीटर होता है, 2-3 पैरामीटर को याद कर लेना है बस, ज़्यादा इसमें डीपली नहीं पढ़ना है, टेंशन भी नहीं लेना है, बस ऐसे ही पूछता है पैरामीटर का वैल्यू, जो कैप्सूल वाला बुक है उसमें दिया गया है। आप प्रीफर करेंगे कि अगर फार्मूला रिवीजन करना चाहते हैं तो वो बुक ले सकते हैं। और आगे चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर आगे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 में चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 का अलग फोटो है, इसको रिप्लेस करते हैं 112 में, ये नहीं है क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ भी 12 नहीं है, इसमें भी 12 नहीं है, ये वाला है, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा था वो क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं, इसको और थोड़ा सा काट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है कि थ्री रेजिस्टेंस है, ईच वन ऑफ द रेजिस्टेंस 227 ओम का एक रेजिस्टेंस है, एक ओम का मान 27 ओम कनेक्टेड इन डेल्टा, ये क्या है, तीन रेजिस्टेंस जो है ये डेल्टा कनेक्टेड में है, और कह रहा है डेल्टा 27 ओम आर कनेक्टेड इन डेल्टा फॉर्मेशन, इफ द डेल्टा टू द स्टार कन्वर्जन इज परफॉर्म ईच रेजिस्टेंस विल बी चेंज। मतलब जो कह रहा है यहाँ पर कि सीधा कहे कि मतलब कहना है कि जब यहाँ डेल्टा में है इसको स्टार में कन्वर्जन करेंगे तो ये रेजिस्टेंस 27 ओम है तो स्टार में हो जाएगा, तो इसका रेजिस्टेंस का मान क्या होगा। तो रेजिस्टेंस इतना जान लीजिए जो स्टार में जितना होता है, स्टार में जो रेजिस्टेंस का मान होता है, डेल्टा में रेजिस्टेंस का मान ज़्यादा होता है और स्टार में रेजिस्टेंस का मान कम होता है इसके कंपेयर टू,
यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो डेल्टा का रेजिस्टेंस होता है, डेल्टा का रेजिस्टेंस 3 × स्टार रेजिस्टेंस होता है, मतलब स्टार डेल्टा का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर सीधा डेल्टा का मान दिया हुआ है, हमको स्टार का मान पूछ रहा है, तो स्टार का मान पूछ रहा है तो देखिए पुट करते हैं। स्टार में पूछ रहा है तो स्टार में डेल्टा का 3 फॉर्म हो जाता है, तो डेल्टा 27 है तो हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो टोटल 9 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 114 का 9 ओम आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है कि ए लॉन्ग स्ट्रीट सर्किट कंडक्टर पैलेस इन द एयर इज कैरी ए करेंट ऑफ 250 एम्पियर। जो करेंट दिया हुआ है 250 एम्पियर दिया गया है। फाइंड द मेजरिंग फोर्स एट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द कंडक्टर। जो एम्पियर जो करंट दिया गया है इसके 5 सेंटीमीटर दूर पर, कह रहा है कि फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स, एच का मान पूछ रहा है, जो 5 सेंटीमीटर दूर पर कितना फोर्स से बल लगाएगा इस सर्किट, जो मैग्नेटिज्म फोर्स होगा यहाँ पर कितना फोर्स लगाएगा 5 सेंटीमीटर तक। तो इसका क्वेश्चन नंबर 115 का ऑप्शन नंबर ये तो दो ऑप्शन सही होगा, लेकिन इसका सॉल्यूशन करें तो इसका बी बराबर, एक इक्वेशन होता है हिस्टेरेसिस लूप पर, और बी बराबर एप्सिलॉन I/2 π r होता है, ये ऑप्शन होता है। तो यहाँ पे पुट कर देंगे तो यहाँ म्यू का मान जो होता है, म्यू का मान होता है 4π × 10⁻¹⁷ होता है, 10⁻¹⁷ होता है। यहाँ पे अगर पुट करेंगे हम लोग, सीधा पुट करते हैं फार्मूला पर, जो बी बराबर होता है फार्मूला में म्यू अपॉन आई अपॉन 2π r होता है बी। तो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे, म्यू का मान होता है 4π × 10⁻¹⁷ होता है, और आई का मान 250 दिया गया है, 250 में नीचे 2 3.14, या तो पाई का मान पाई ही रहने देते हैं। पाई का मान पाई ही रहने देंगे यहाँ पे, और जो आर का मान दिया गया है 5 सेंटीमीटर, उसको मीटर में चेंज करेंगे तो 5 × 10⁻²² हो जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर में था। अब इसको काटेंगे तो टोटल आंसर जो आता है बी बराबर यहाँ 10³ वेबर पर मीटर स्क्वायर हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जिसको बोलते हैं। यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बोलते हैं, मतलब इसका मान वेबर पर मीटर स्क्वायर आ गया बी के मान। तो अब यहाँ पर एक फोर्स होता है एच बराबर बी अपॉन, ये तो सीधा होता है, ये जो रिलेशन है इसी में रिलेशन आता है। यहाँ रिलेशन जो होता है, जो इसमें एक और रिलेशन होता है जिसको हम लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, बी बराबर म्यू इंटू एच होता है। तो एच का मान हमको कितना, ये फोर्स बताता है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बताता है। तो इसका मान हमको आ गया था बी बराबर 10³ आया था, और नीचे डिवाइड कर देंगे म्यू से तो 4 × 4π × 10⁻¹ होता है। तो यहाँ पे ये जो फोर्स है, क्या हो रहा है, यहीं पे इसको कट कीजिएगा तो ऑप्शन फोर्स का मान आ जाता है ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर आगे 16 का देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है कि हाउ मेनी पैरेलल पाथ आर देयर इन द 6 पोल सिंप्लेक्स बाइंडिंग। इसको यहाँ पे बोल रहा है कि हाउ मेनी पैरेलल पाथ इन द 6 पोल सिंप्लेक्स लैप बाइंडिंग इन डीसी मशीन। डीसी मशीन में जो होता है, जो पोल दिया गया है पी बराबर दिया गया है, पी बराबर 6 दिया गया है, पूछ रहा है ना कि द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, पैरेलल पाथ कितना होगा। यहाँ पर एक फार्मूला देखते हैं, यहाँ पे एक फार्मूला देखते हैं कि वोल्टेज बराबर एन
पी फाई जेड बटा 60 ए होता है फार्मूला, यहाँ पर होता है ई बराबर, एक फार्मूला होता है, तो यहाँ ए बराबर हो जाता है बैब बाइंडिंग में, बेब बाइंडिंग में ए बराबर हमेशा 2 होता है और लैप बाइंडिंग में ए बराबर पी होता है। तो यहाँ पर यही दिया गया है, पोल बराबर 6 दिया गया है, पोल बराबर 6 दिया गया है, देखिए यहाँ पे पोल बराबर 6 दिया गया था, तो 6 के बराबर ही होगा, यानी कि ए बराबर पी ही होता है, तो ए बराबर पी होता है यहाँ पे, तो ए बराबर पी होगा, तो पोल नंबर 6 है, पोल 6 है, तो पैरेलल पाथ भी 6 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका, क्वेश्चन नंबर कितना था 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 116 का, 116 का ए बराबर पी होता है, तो पी हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का, क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ ए गुड हीटिंग मटेरियल। गुड हीटिंग मटेरियल का प्रॉपर्टी क्या है, नहीं है, मतलब गुड हीटिंग का मतलब एडवांटेज नहीं है, कौन ऐसा चीज़ है जिससे एडवांटेज नहीं है, तो यहाँ पे एक में दे रहा है हाई ऑक्सीडाइजिंग टेम्परेचर, और बी में दे रहा है हाई डक्टिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, द हाई टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, यहाँ पे चार ऑप्शन दे रहा था। क्या कह रहा था कि नॉट ए डिजायरेबल क्या है, गुड हीटिंग मटेरियल, गुड हीटिंग मटेरियल का है मतलब कि जो अच्छा हीट ट्रांसफ़र करे, तो अच्छा हीट ट्रांसफ़र करने के लिए या अच्छा हीट जनरेट करने के लिए, यहाँ पर अच्छा हीट जनरेट करने के लिए क्या होना चाहिए, तो एच बराबर आई स्क्वायर आर टी होता है, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी होता है, तो आर का मान यहाँ पे ज़्यादा होगा तो हीट भी ज़्यादा पैदा करेगा, यहाँ पे अगर आर का मान ज़्यादा होगा तो हीट भी ज़्यादा पैदा करेगा, यानी कि रेजिस्टेंस का, उस प्रॉपर्टी का रेजिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए, तो रेजिस्टेंस किसका होगा, द हाई टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोफिशियंट क्या होना चाहिए, उसका हाई होना चाहिए, टेम्परेचर कोफिशियंट का मतलब अल्फा जो होता है ये ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा होगा तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। यहीं पे अगर कंडक्टर का मान पूछे, जो कंडक्टिंग मटेरियल होता है कंडक्टर का, इसका टेम्परेचर कोफिशियंट लो होता है और रेजिस्टेंस का कोफिशियंट टेम्परेचर कोफिशियंट हाई होता है, ये कंडक्टर में है और ये जो हीटिंग मटेरियल में जो यूज करते हैं उसके लिए होता है, मतलब हीटिंग मटेरियल जो होता है उसका टेम्परेचर कोफिशियंट ज़्यादा होना चाहिए और जो कंडक्टर होता है उसका टेम्परेचर कोफिशियंट लो होना चाहिए, तो यही ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि स्टार्टिंग करंट, क्वेश्चन नंबर 18, द स्टार्टिंग करंट ऑफ ए स्टेट टाइप रिपल्सन मोटर इज अबाउट इट फुल लोड वैल्यू, फुल लोड वैल्यू पूछ रहा है, जो स्टार्टिंग करंट होता है और स्टार्टिंग करंट, और एक और होता है जो रनिंग करंट होता है आईआर, मतलब रनिंग करंट होता है एक स्टार्टिंग करंट होता है, स्टार्टिंग करंट होता है सो हाई होता है, रनिंग करंट जो नॉर्मल होता है, स्टार्टिंग करंट में बहुत ज़्यादा करंट होता है, तो यही बोल रहा है ना कि क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा तीन वाला ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि जो रिपल्सन स्टार्ट मोटर होता है, रिपल्सन स्टार्ट मोटर कहें तो रिपल्सन पर ही काम करता है, एक यहाँ पर देखिए तो कहें तो रिपल्सन स्टार्ट मोटर का यहाँ पे ये फील्ड हो गया, यहाँ पर अगर रोटर को डाल देते हैं, रिपल्सन स्टार्ट मोटर कहें तो एक तरफ नॉर्थ हो जाता है, साउथ हो जाता है, और यहाँ पर भी एक जो रोटर होता है इसके अपोजिट भी, मतलब सीरीज में कनेक्शन करते हैं, फील्ड बाइंडिंग होता है, फील्ड बाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस होता है उसके साथ आर्मेचर कनेक्ट होता है, जो फील्ड होता है और इसका अपोजिट इसी साइड में होता है, जैसे फील्ड का नॉर्थ साउथ होता है तो इसका साउथ नॉर्थ इस तरह एक दूसरे से रिपल करके चलते हैं, तो यहीं पर हो जाता है इसका ऑप्शन नंबर, जो स्टार्टिंग करंट होता है ना उसे 3 से 4 गुना करंट ज़्यादा होता है, क्योंकि स्टार्टिंग करंट में ज़्यादा टॉर्क पैदा करने के लिए करंट भी ज़्यादा होता है, नहीं स्टार्टिंग में स्पीड को बढ़ाने के लिए ज़्यादा मतलब कि करंट को दिया जाता है, स्टार्टिंग में करंट ज़्यादा जाता है और जैसे ही रन करने लगता है मोटर तो करंट नॉर्मल हो जाता है, नॉर्मल करंट बहने लगता है, मोटर नॉर्मल चलने लगता है, तो इसलिए होता है जो स्टार्टिंग रिपल्सन स्टार्ट मोटर में जो करंट होता है स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 19 में देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 19 का दिया है एक और नॉमरिकल आया है, नॉमरिकल को अलग से बार बार बोल रहे हैं कि अलग से नॉमरिकल का एक वीडियो बना देंगे जिसमें स्पेशल नॉमरिकल होगा। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा था, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि स्टार्टिंग करंट ऑफ सिंगल, ये तो 18 हो गया, 3 to 4 टाइम्स होता है, क्वेश्चन नंबर 19 को देख रहे हैं,
क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है इसमें नॉमरिकल है ऐसा, ऑप्शन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होता है, निकाल के बताना होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होता है। करंट निकालना है इसमें, क्या कह रहा है, वोल्टेज सोर्स एंड टू रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, एक वोल्टेज सोर्स है, दो को पैरेलल में रजिस्टर कनेक्टेड, गिविंग द सपोर्ट द वी बराबर 150 वोल्ट, वोल्टेज जो है 150 वोल्ट दिया गया है, और R1 50 ओम दिया गया है और R2 25 ओम, यानी कि यहाँ 25 है और यहाँ 50 ओम दिया गया है। फाइंड द करंट इन I1 और I2 निकालने के लिए बोल रहा है, तो I1 और I2 निकालने के लिए हम यहाँ पर देखेंगे करंट डिवीजन रूल। करंट डिवीजन रूल में क्या होता है कि जो टोटल करंट होता है, नहीं जिसमें मतलब I1 में करंट, इसमें करंट निकालना है तो इसका मान जो होता है टोटल करंट हो जाता है, जो टोटल करंट गुना जिसमें निकालना रहता है उसका अपोजिट साइड में, इसमें निकालना है तो हमको ये वाला रेजिस्टेंस का मान ऊपर करेंगे, मतलब कि R2 बटा R1 प्लस R2 हो जाएगा। तो करंट डिवीजन रूल का फॉर्मूला यही होता है। और अगर यहाँ पे आगे चलते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे करंट डिवीजन रूल एक हो गया, तो यहाँ पर हम पुट करते हैं मान को, टोटल करंट पहले क्या होगा, तो टोटल करंट निकालने के लिए हमको पहले टोटल रेजिस्टेंस निकालना होगा, तो पहला का रेजिस्टेंस का मान 50 है और इसका 25 है, तो पैरेलल के लिए कर देते हैं 50 गुना 25 बटा और 50 प्लस 25 हो जाएगा, तो 5 यहाँ जुट जाएगा 75 हो जाएगा, और 75 हो जाएगा इसको काट देते हैं, और 125 बटा इतना बटा 75, अब इसको 125 काटते हैं तो 50 बार में कर 25 75, मैंने टोटल रेजिस्टेंस इतना आ गया 50 बटा 3 हो गया, इसका जो हो गया टोटल रेजिस्टेंस हो गया 50 बटा 3 हो गया। और यहाँ पे करंट निकालने के लिए बात करें तो टोटल वोल्टेज 150 वोल्ट दिया गया है, वोल्टेज बटा टोटल रेजिस्टेंस होता है, 50 बटा 3 आया था ना, तो 50 और ऊपर चल जाएगा 3 तो ये हो जाएगा, कट जाएगा 5 3 15, यानी कि टोटल करंट 9 एम्पियर आ रहा है, टोटल करंट 9 एम्पियर आ रहा है, तो इसका करंट निकल गया। अब करंट डिवीजन रूल पर लगाते हैं, करंट डिवीजन रूल में यही कहता है कि I1 में अगर हमको करंट निकालना है, I1 में करंट निकालना है तो टोटल करंट हो गया कितना 9 एम्पियर गुना जिसमें निकालना है उसका अदर वाला, मैंने R2 वाला करेंगे, यहाँ पे R2 का मान दिया गया है 25 बटा टोटल 50 प्लस 25, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर करते हैं इसका सॉल्यूशन तो यहाँ पे 9 था ना, तो 2 हो जाएगा, 9 गुना कितना था 25 बटा 50 प्लस 25, मैंने 50 में 70 और 5 75 हो गया, 25 75 3 हो गया, ये कट गया, यानी कि 3 एम्पियर इसमें हो गया, किसमें, मतलब कि I1 का मान कितना आ गया हमको 3 एम्पियर आ गया, I1 का मान 3 एम्पियर है, तो ऑप्शन नंबर, तो इसमें से क्वेश्चन नंबर कितना है 19 का ऑप्शन नंबर 3 सही होता है। और आगे ऐसे ही दूसर का निकालिएगा तो निकल जाएगा, इसमें नॉमरिकल पेपर है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग ले जाता है, इसलिए लॉन्ग वीडियो ना हो इसके लिए हम सोच रहे हैं कि उसका अलग वीडियो निकाल देंगे बना करके, आप लोग देख सकते हैं, जो स्टार्टिंग करते हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, रेगुलर देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि इन बीच ऑफ द फ्लोमिंग लाइटिंग सिस्टम मोर देन 90% ऑफ टोटल लाइट फ्लक्स इज मेड टू फॉल डायरेक्ट ऑन द वर्क प्लेस विद द हेल्प ऑफ डीप रिफ्लेक्टर। डीप रिफ्लेक्टर में इसमें होता है चार तरह का होता है, एक डायरेक्ट लाइटिंग जो डायरेक्ट नीचे गिरता है, मतलब 90% जो नीचे चला जाता है लाइट, उसको डायरेक्ट लाइटिंग बोलते हैं, डायरेक्ट लाइटिंग होता है। एक होता है कि फैला हुआ रहता है, इसमें 70 से 75% जो लाइट होता है डाउनवर्ड होता है, बाकी जो होता है अपवर्ड की तरह होता है। तो यहाँ पे दो को ये हो गया, डाउनवर्ड में हो गया, एक होता है अपवर्ड में, मतलब एक वो होता है डायरेक्ट अपवर्ड और एक वो होता है इनडायरेक्ट अपवर्ड। तो डायरेक्ट अपवर्ड में वही कर देंगे, क्या होता है डायरेक्ट ऊपर, मतलब 90 से 95% लाइट जो है, यहाँ लाइट लगा हुआ है तो टोटल लाइट ऊपर की ओर चला जाए, तो ये इनडायरेक्ट लाइटिंग होता है, इनडायरेक्ट लाइटिंग होता है। और एक होता है जो थोड़ा फैला हुआ रहता है, 70 से 75% लाइट होता है जो अपवर्ड होता है, इसी को कहा जाता है चार तरह का लाइटिंग होता है। तो यहाँ पे पूछ रहा था कि इन बीच ऑफ द लाइट मोर देन 90% टोटल लाइट फ्लक्स इज मेड टू फॉल डायरेक्ट ऑन द वर्क पैलेस। वर्क पैलेस के कहने का मतलब वर्क तो नीचे होता है, लाइट ऊपर होता है, मतलब 90% नीचे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लाइटनिंग हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सी में ऑप्शन देखते हैं क्या है,
क्वेश्चन नंबर सी में डायरेक्ट लाइटनिंग कह रहे थे ना, जो 90% नीचे जाता है उसको डायरेक्ट लाइटनिंग बोलते हैं, और 90% ऊपर जाता है उसको इनडायरेक्ट लाइटनिंग बोलते हैं, जो मतलब कि डेकोरेशन में किया जाता है, 90% ऊपर लाइट डाला जाता है जिससे शैडो नहीं आता है, शैडो और ग्लेयर नहीं आते, यहाँ पर शैडो बहुत हो जाता है। तो यही है क्वेश्चन नंबर, हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है द टोटल करेंट फ्लोइंग थ्रू द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 20 ओम और 60 ओम रेजिस्टेंस इज 40 एम्पियर, व्हाट विल बी द, कहाँ गया मेरा पेपर, क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा था, 21 में क्वेश्चन नंबर 21 बोला है टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द पैरेलल कॉम्बिनेशन, जो सर्किट है दो गो है और वो पैरेलल में कनेक्टेड है, समझिए क्वेश्चन को क्या बोल रहा है। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ऐसे है R1 और एक रेजिस्टेंस R2 है, ये है और ये R1 है, और ये क्या है पैरेलल में कनेक्टेड है, और कह रहा है कि टोटल करंट इसमें जो प्रवाहित कर रहा है वो है 40 एम्पियर करंट जा रहा है, जब 40 एम्पीयर करंट जा रहा है तब व्हाट विल बी द करंट फ्लोइंग थ्रू द 60 ओम रेजिस्टेंस, तो R1 का मान 20 है और ये R2 का मान 60 है, तो कह रहा है कि 60 ओम रेजिस्टेंस से कितना करंट जा रहा है। तो यहाँ पर करंट डिवीजन रूल फिर से याद करेंगे, करंट डिवीजन रूल में कहा गया था क्या कि करंट डिवीजन वही होता है कि I किस में निकालना है, 60 वाला में तो 60 लिखेंगे, और टोटल करंट तो टोटल करंट 40 है तो 40 कर देंगे, और जिसमें निकालना रहता है उसको नहीं उसके अदर वाला को लिखेंगे। तो यहाँ पर जो अदर वाला है जो 20 है तो ऊपर 20 कर देंगे और प्लस 20 प्लस 60 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 60 20 80 80 40 20 चौके 80 कट जाएगा और 40 चार से चार कट जाएगा, यानी कि 10 एम्पियर का करंट जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर क्या है, बी सही हो जाएगा, 10 एम्पियर है। क्वेश्चन नंबर 22 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है कि CRO कैथोड रे ऑसिलेशन कैन नॉट बी यूज टू मेजर, जो CRO किसी चीज़ का मेजर नहीं करता है उसके लिए पूछ रहा है, कैथोड रे जो होता है वो पावर का मेजर नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ पावर का मेजर नहीं करता, ऑप्शन नंबर बी है। CRO जो होता है यहाँ से ट्रिगरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन को, यहाँ पर दो लेंस लगा हुआ रहता है, कॉनकेव लेंस जो होता है यहाँ पर होता है, यहाँ से बीम ट्रांसफर करता है, तो यहाँ पर कोटेड रहता है सल्फर का, और यहाँ जो होता है जो भी वोल्टेज का मान देता है तो वोल्टेज का इक्वेशन शो करता है, करंट का इक्वेशन रहेगा तो करंट का इक्वेशन शो करेगा, लेकिन ये जो है पावर का मेजरमेंट नहीं करता, CRO पावर का मेजरमेंट नहीं करता, क्या है CRO पावर का मेजरमेंट नहीं करता है, पावर का मेजरमेंट नहीं करेगा, बाकी वोल्टेज का करेगा, करंट का करेगा, रेजिस्टेंस का करेगा, सारा कुछ करता है, सिर्फ पावर का मेजरमेंट नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है कि जो है फाइंड द RTH टोटल रेजिस्टेंस इसमें पूछ रहा है, तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या होता है, यहाँ पर देखिएगा ये है और ये सर्किट पैरेलल में है, तो पहले ये वाला पैरेलल सर्किट को सोल्व कर लेंगे, तो टोटल इसमें कितना दिया गया है 6 और 3 है, 6 3 को पैरेलल में करते हैं तो 6 × 3/6 + 3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6 और 36 = 18 ऊपर हो जाएगा, 18/9 हो जाएगा तो 2 हो गया, यानी इसका मान जो है इसका मान 2 ओम आ गया, इसका मान 2 ओम आ गया, इसी तरह से इसका मान 2 आ गया और इसके साथ प्लस 2 है तो टोटल यहाँ पे क्या हो गया इस सर्किट का मान 4 हो गया ओम रेजिस्टेंस, 4 ओम हो गया, इसी तरह फिर इसके साथ ये और ये दोनों पैरेलल में है, तो ये इसका मान 4 आ गया था, इसका मान कितना है, इसका मान 5 है, इसका मान 5 है, तो इसका 4 हो गया, इसका 5 और एक 6 है, इसका 6 है, अगर इसका पैरेलल सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 × 6/4 + 6 हो जाएगा, यानी कि 6 × 24 2.4 हो गया, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ टोटल जो सर्किट है यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका 2.4 ओम रेजिस्टेंस आ रहा है, अब इसके साथ हो गया तो यहाँ पर ये क्या हो गया 2.4 ओम आ गया, इसके साथ ये दोनों सीरीज में है, 4 + 2.4 + 8 तो 8 × 4 = 12, 12 + 2.4 हो जाएगा तो 12 और 2 14.4 आ गया, तो ऑप्शन नंबर देखिए मिलाइएगा
14.4 है जो ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर यही सही होगा। तो इसमें समझने वाली बात यही था कि पहले ये जो था जो पैरेलल में था इसका सोल्व कर लिए, इसका सोल्व कर लिए, फिर इसके साथ सीरीज में था तो ये टोटल को सोल्व कर लिए, फिर इसके साथ ये वाला पैरेलल में था, पहले सीरीज में था फिर पैरेलल में ये दोनों सोल्व हो गया, इसके साथ ये वाला सीरीज था, टोटल सोल्व कर लिए तो आ गया 14.4 आ गया, ये ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ लाइट फैन एंड 5 एम्पियर सॉकेट आउटलेट दैट कैन बी कनेक्टेड कनेक्टेड एक्यूमुलेटेड इन वन सर्किट। वन सर्किट जो होता है उसमें क्या होता है कि मात्र 5 सर्किट लगाया जाता है और टोटल 5 एम्पियर का होता है, जैसे घर होता है, ये घर है, इसमें फैन लगा हुआ है, यहाँ बल्ब लगा हुआ है, चार्जिंग पॉइंट लगा हुआ है, टोटल ये 5 एम्पियर इसमें फॉलो करता है, जो रूम वाला होता है, रूम वाला 5 एम्पियर जाता है। तो इसमें टोटल जो सर्किट होता है ना, फैन हो गया, लाइट हो गया, बल्ब हो गया, जो भी हो गया, मात्र और मात्र 10 को ही पॉइंट को लगा सकते हैं। तो इंडियन स्टैंडर्ड रूल के अनुसार से कह रहा है कि 10 ही पॉइंट लगा सकते हैं, इसमें 2 को बल्ब लगाइए, फैन लगाइए, एसी लगाइए, कुछ भी लगाइए, मात्र 10 ही पॉइंट लगा सकते हैं उसमें, क्योंकि 5 एम्पियर का करंट जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125 में देखते हैं, 125 कह रहा है स्पेशल केस ऑफ द नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर इन विच ऑल आउटपुट वोल्टेज इज फीडबैक टू द इन्वर्टिंग आउटपुट एंड ओपी इज कॉल्ड। क्या होता है इसका, ये स्पेशल केस ऑफ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर होता है, इन विच ऑल द आउटपुट वोल्टेज इज फीडबैक टू द इन्वर्टर इनपुट ऑफ द ओपी एम्पलीफायर इज कॉल्ड। तो उसको बोलते हैं वोल्टेज फ्लोवर बोलते हैं, इसको बोलते हैं वोल्टेज फ्लोवर। बोल रहा है कि जैसे नॉन इन्वर्टिंग है, यहाँ से दिए इनपुट और जो यहाँ गया वो आउटपुट गया, आउटपुट के साथ ये फिर इनपुट की तरह जाता है, तो इसको बोलते हैं वोल्टेज फ्लोवर बोलते हैं, इन्वर्टर, वोल्टेज फ्लोवर इन्वर्टर बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 में हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है कि स्पेशल केस, ये स्पेशल केस, क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है कि स्पेशल केस ऑफ नॉन इन्वर्टिंग क्या है, 25 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 में देखते हैं कि चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिप्रेजेंट रिस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रिकल ट्रांजिस्टर, इलेक्ट्रिकल ट्रांजिस्टर के बारे में बात कर रहा है कि कौन सा इनकरेक्ट है। तो कह रहा है क्वेश्चन नंबर पहला ऑप्शन कह रहा है इलेक्ट्रिकल एम्पलीफिकेशन एम्पलीट्यूड कैन बी इजिली डन, ये हो जाएगा तो वो हो जाता है, इलेक्ट्रिकल ट्रांजिस्टर में ही होता है, इलेक्ट्रिकल एम्पलीट्यूड होता है, एटेन्यूएट कैन बी इजिली डन मतलब हो जाता है, द आउटपुट कैन बी इंडिकेटेड एंड रिकॉर्डिंग मॉड्यूल एट द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंसिंग मॉड्यूल, ये सब हो जाता है, मास इनर्सिया इफेक्ट आर मैक्सिमम में भी होता है, इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन आर मिनिमाइज, फ्रिक्शन को मिनिमाइज नहीं करता है, ये ऑप्शन सही है, इनकरेक्ट हो गया, क्वेश्चन नंबर 126 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127 देखते हैं, आइडेंटिफाई द डिवाइस इन द फॉलोइंग सिंबल, ये किसका सिंबल है, तो ये है वोल्टेज डायोड, वैरेक्टर डायोड का है, ऑप्शन नंबर बी, वैरेक्टर डायोड मतलब डायोड तो एक लगा हुआ है, इसके साथ कैपेसिटर लग जाता है, तो इसको वैरेक्टर डायोड बोलते हैं, जो वोल्टेज पर वर्क करता है, तो यही हो जाएगा वोल्टेज 127 का। तो यहाँ ये सेट का 127 नंबर पेज नंबर फर्स्ट से हो गया है, पेज नंबर फर्स्ट में 27 नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, आगे पेज नंबर सेकंड में हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, वो जो होता है 27 से लेकर के लगभग 60 तक हम लोग सॉल्व करेंगे, और टोटल 60 के बाद पेज नंबर 3 जो होगा 15 मिनट का, वो 60 से लेकर 100 तक हो जाएगा, वो जो हो जाएगा थर्ड में 60 से लेकर के 100 तक हो जाएगा, और इसी तरह से सेट को कंप्लीट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आप सबसे तैयारी करने के लिए आप वीडियो देख सकते हैं और अपना तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं, और ये तो अभी एसएससी का स्पेशल सेट है और इसमें बनाया हुआ है, लेकिन अपना जो इलेक्ट्रिकल आई है, जो इलेक्ट्रिकल आई है वहाँ पे हम लोग सेट को तैयार करते हैं और सेट को मराया जाता है, जो लड़कन वहाँ सेट पर बैठ करके मारते हैं उनका तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है उनका। बस मेरा कोचिंग का यही रूल है
कि मात्र आप हमारे कि यहाँ 3 मंथ टाइम दीजिए, 3 मंथ आपका तैयारी लगभग 70% हम लोग करा देते हैं, जो कि बहुत ही अप्रोक्स होता है न्यू स्टूडेंट के लिए। 100 में से 70 नंबर अगर आप ले आते हैं तो बहुत ही अच्छा है, आपका टेक्निकल तैयारी हो चुका होगा, आप नॉनटेक में लग सकते हैं और अपना जो तैयारी है आगे बढ़ा सकते हैं और जॉब की ओर बढ़ सकते हैं, जल्दी ही जॉब हो जाएगा। और एक बात और कहना चाहेंगे कि जो लोग ऑनलाइन सेट मारते हैं, जो बच्चा ऑनलाइन सेट मारते हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे कि वो सेट तो मारते हैं लेकिन सॉल्यूशन नहीं होता है, सॉल्यूशन नहीं कर पाते हैं, और देखते भी हैं सॉल्यूशन तो सॉल्यूशन को देखने के बाद समझ में नहीं आता है, समझ नहीं आता है और ऐसे ही सेट मारते रहते हैं। तो उनसे मेरा आग्रह रहेगा कि आप मेरे सॉल्यूशन को देखिए, और आपके अगर ऑफलाइन पॉसिबल है तो ऑफलाइन आकर के सेट मारिए। आपसे मैं वादा करता हूँ कि आपका नंबर ज़रूर बढ़ेगा, 70 से 75% तक आ जाएगा। उसके बाद ये मात्र 3 मंथ का है, 3 मंथ के बाद अगर आगे रहते तो कम से कम तैयारी तो 80 से 90% तक चला जाएगा। तो आप ऑफलाइन आकर के सेट मार सकते हैं, या फिर अगर आप अपने दूर यहाँ पर गया में नहीं रहते हैं, दूर रहते हैं तो आप सेट को ले लेंगे, कॉल जो नंबर दिया गया है इससे नंबर से कांटेक्ट करके आप सेट को ले सकते हैं और प्रिंट करके सेट को मार सकते हैं और सॉल्यूशन जुड़ करके पूछ सकते हैं। अगर कोई डाउट होगा, अगर कोई क्वेश्चन में डाउट होगा तो कमेंट में पूछ सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर इतना का हमको डॉट है, क्वेश्चन नंबर लिखेंगे और उसको हो सकता है कि कमेंट में ही जवाब दे दें, कमेंट में जवाब दे करके आपका सॉल्व कर दें, और नहीं होगा तो आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाएंगे और उसमें समझाएंगे। तो सेट को देखते रहिए और आगे अपना तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, पावर ग्रिड का और एसएससी का 2 एग्ज़ाम नज़दीक है, तो अभी तो हम लोग एसएससी का तैयारी में लगे हुए हैं, अभी एसएससी का तैयारी में लगे हुए हैं, और जैसे ही 8 अक्टूबर का, 8 तारीख का इसका सितंबर का एग्ज़ाम हो जाता है, आज सितंबर अक्टूबर को है, 8 अक्टूबर को एग्ज़ाम अगर हो जाता है, उसके बाद डायरेक्ट हम लोग पीजीसीएल में लग जाएंगे और उसका स्पेशल सेट चलाएंगे और उसका सॉल्यूशन करेंगे। धन्यवाद, वीडियो को देखते रहिए और अपने दोस्तों से शेयर करते रहिए, जिनको दिक्कत हो रहा है सेट सॉल्यूशन नहीं कर पाते हैं, तो उनसे आग्रह है कि वीडियो को शेयर कीजिए, उनका भी तैयारी में मदद कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले पेज में, जो कि 26 से लेकर के 60 तक आसपास रहेगा, उसमें हो जाएगा, फिर मिलेंगे थर्ड में। धन्यवाद, वीडियो को देखते रहिए।